Hello friends, welcome to the Navigator English Spoken Classes. This is Deepak Diwakar. Today I am going to discuss present perfect continuous tense. Friends, पिछले वीडियो में मैंने simple present tense, present continuous tense और present perfect tense को वीडियो के माध्यम से मैंने पढ़ा दिया था. आज हम लोग बात करेंगे present perfect continuous tense के बारे में. चलिए ज्यादा बात ना करते हुए मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले present perfect continuous tense के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है. इसका पहचान क्या होता है? सबसे पहले जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, यानी कि वर्ब के अंत और किस वर्ब के अंत में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, लगा हो और उसके टाइम भी डिनोट हो. क्या हो? टाइम भी डिनोट हो, तब हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहा है. या फिर आप देखेंगे हिंदी में कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे भी लगा रहता है, ठीक है. अब यहाँ पर समझ लेते हैं तो मेन वर्ब के साथ कब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा? जब समय के साथ से का प्रयोग. अब से के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंस या फॉर का यूज करते हैं, ठीक है. जैसे हम लोग यहां जान लेते हैं कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में भी हम देख लेते हैं एग्जांपल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसमें हम लोग देखते हैं जैसे सोहन सो रहा है. इसमें टाइम डिनोट नहीं है कि कितने घंटों से, कितने बजे से सो रहा है वो. लेकिन यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं, सोहन 5 घंटों से सो रहा है, ठीक है. सीता सुबह से रो रही है, तो ये टाइम डिनोट कर रहा है और टाइम डिनोट करेगा, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मानेंगे. अब हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी ट्रांसलेशन को इजिली बना सकते हैं. आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं. अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इस प्लस, हैज या हैव प्लस, बीन प्लस, बिफोर प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस. अब इसमें लग जाता है सिंस या फॉर, जो से आता है से, ठीक है. इसी के लिए और सिंस या फॉर का यूज होता है, ठीक है. जैसे हम देख सकते हैं, हमने पहचान में बताया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम उसमें डिनोट होगा, ठीक है, टाइम के साथ ये रहेगा. या फिर ये भी बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, लगा रहे, फिर भी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा. अब भाई यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं. जैसे मैं काम करता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, वह काम करता रहा है, he has been working हो जाएगा. अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो सिंस या फॉर का यूज हम लोग किए हैं, ठीक है, इसका इसमें यूज हम बता देते हैं. जैसे मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? I have been reading. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग, ठीक है. आगे हम सिंस या यूजेस ऑफ सिंस और फॉर का यूज जो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है. अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इस प्लस, हैज या हैव प्लस, नॉट प्लस, बीन प्लस, बिफोर प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस, सिंस या फॉर अगर टाइम दिया रहे तो, ठीक है. हम टाइम के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से यूज करेंगे, आइए समझ लेते हैं. वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा? He has not been reading since morning, ठीक है. वह काम नहीं करता रहा है, क्या हो जाएगा? He has not been working हो जाएगा. दोस्तों जो हम लोग इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.